let's come to our subject English, and the name of the chapter is Little Red Rock, and number of the chapter is chapter number 8. ठीक है, ये आपके page number 73 है. अब ध्यान से देखेंगे textbook को, आपको बहुत अच्छे तरह से पता चलेगा. तो आते हैं हम लोग हमारे topic पे. There are one word, Red Rock. मतलब छोटी बारिश के बूंदे, छोटी बारिश के बूंदे. ठीक है, so the raindrops came from clouds. ये आप सभी जानते हैं कि बारिश कहाँ से आता है, आसमान से. आसमान में चढ़ के कोई पार्टी या फिर शावर नहीं खोल देता. तो एयर इज अ लिटिल गर्ल, और लिटिल गर्ल क्या करते हैं, उसको कुछ सोच है. जैसे कि बचपन में हर बच्चे खेलना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं. आप लोग भी शायद करते होंगे, लॉकडाउन होने की वजह से भी आप लोग कर रहे हैं. सो व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश गिर रही है, जब पानी की बूंदे गिर रही है, तो वो बूंदे खिड़कियों में लगते ही, खिड़कियों में लगते ही कैसे आवाज करते हैं स्टूडेंट्स, पिटर पैटर पिटर पैटर, इस तरह के साउंड करते हैं. ठीक है, अब जानते हो पिटर पैटर पिटर पैटर के साउंड करते हैं. जूनियर क्लासेस में आपके लिए पोएम भी रहे होंगे, उसको भी आप स्टडी किए हैं, रीड किए हैं. पिटर पैटर साउंड करते हैं. कब साउंड करते हैं, व्हेन इट्स फॉल डाउन द विंडो, जब वो विंडो पे आता है, वो दरवाजे पे भी गिरता है तब भी साउंड आता है. और ये होने की वजह से क्या होता है, द चिल्ड्रंस द स्टूडेंट्स द बेबीज वर अनेबल टू मूव आउट फॉर प्ले, दे वर अनेबल टू मूव आउट फॉर प्ले, दे वोंट लेट टू गो आउट, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, तो इसीलिए बच्चों का मन भी खराब होता है. तो हियर इज द लिटिल गर्ल आस्किंग द रेन ड्रॉप्स दैट व्हाट आर यू सेइंग बाय मेकिंग द साउंड पिटर पैटर पिटर पैटर. तो वो बच्ची सोचती है कि पीटर पैटर करके बारिश की बूंदें उससे बातें करना चाहती है. इट इज अ वेरी हार्ड टचिंग एंड इमोशनल पोएम वेयर अ लिटिल गर्ल थॉट दैट रेन ड्रॉप्स वर टॉकिंग विद हर, द रेन ड्रॉप्स आर मेकिंग साउंड्स, इट क्रिएट अ साउंड ऑन द ग्लास ऑफ विंडो. वो वहां पे जो साउंड कर रहे हैं उससे वो बातें करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड शी डज अनेबल टू मूव आउट. लेकिन आखिरकार क्या होता है, वो सोचती है और बारिश की बूंदों का एक मतलब निकालती है. क्या मतलब, मतलब निकालती है कि बारिश की बूंदे पिटर पैटर पिटर पैटर का मतलब क्या है, कि आप बाहर मत जाइए, आप खेलिए, कहाँ पे, यहीं पे खेलिए जहाँ पे बारिश नहीं गिर रही है. मतलब बारिश के दिनों में आप अपने घर में रहेंगे, घर में ही खेलेंगे, घर में खिलौने हैं, वीडियो गेम्स हैं, मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, उनके साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो भीग के आपको बुखार हो जाएगा. ठीक है, लुक ऑन द पेज नंबर 73 लिटिल रेन ड्रॉप. ठीक है, ये पोएम है, इसको आप घर में अच्छे तरह से रीड करेंगे. एना हॉक्सो जो इनके लेखक हैं उनके बारे में भी राइट करेंगे. यहाँ पे देखें, देयर आर सम वर्ड्स विथ रेड कलर एंड पिंक कलर एंड द मीनिंग वर रीड गिवन इन अ ब्लू बॉक्स. इसको आप अपने कॉपीज में लिखेंगे, असेसमेंट स्कूल से जो दिए गए हैं उसको अपने कॉपीज में कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्ट played by a girl and talking with the raindrops, and it was written by Anna Hoxha, who was a very famous writer as well as poet. इसको आप study करेंगे, practice करेंगे, memorize करेंगे, और दिए गए assessment में काम सारे आपके कॉपीज में करेंगे. Hope you have enjoyed and learned from this lesson. Thank you.